हेलो गाइज़, मैं हूँ अभी नेहरू प्लेस में और अभी मैं जाने वाला हूँ एक शॉप पर जिसका नाम है एम के एंटरप्राइजेज़। तो इस वाली शॉप पर जाकर मैं आज आपको ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस बताने वाला हूँ और साथ ही मैं कुछ मदरबोर्ड्स के प्राइसेस बताने वाला हूँ। और नेहरू प्लेस पर मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो सारी वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हो इस वीडियो के बाद में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तब चलते हैं वीडियो की तरफ। नेहरू प्लेस में 105 है एड्रेस, है बिल्कुल सोना स्वीट्स के जस्ट सामने। किसी भी पूछ लीजिएगा सोना स्वीट्स, उसके जस्ट सामने फर्स्ट फ्लोर पे दुकान है बजाज कैपिटल के ऊपर। ओके, तो अभी गाइस हम लोग यहाँ पे मदरबोर्ड्स के प्राइसेस को देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफिक कार्ड वगैरह के भी प्राइसेस देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं B450 वाले मदरबोर्ड से। तो क्या प्राइस है भाई इसका? ये B450 DS3H वाईफाई मदरबोर्ड है। ये B450 GB का है। ये 8800 रुपये का बोर्ड है। 8800? हाँ जी। ये नॉर्मल B450 जो V2 सीरीज़ है ये आपको मिल जाएगा 7000 के करीब का। A320 A Pro है, ये आपको भी मिल जाएगा। H61 Z590 सारी रेंज है हमारे पास। गैलेक्स का भी मिल जाएगा, MSI का भी मिल जाएगा आपको। तो ये गैलेक्स का क्या प्राइस है? A320 बोर्ड 4000 रुपये का मदरबोर्ड है। ओके, इसके बाद में ये MSI का कितने का? MSI का मिल जाएगा आपको। ठीक है, BioStar का 3500 के रेंज का बोर्ड है। 3500 में? हाँ जी। इसके बाद में है B450 की बात करें तो MSI का B450 ये कितने का है? VDH Max 4 RAM स्लॉट के साथ है, इसके ऊपर NVMe स्लॉट भी है। ये आपको 7000 का पड़ेगा ये मदरबोर्ड। 7000 रुपये में? ये Z590 मदरबोर्ड है, UDAC सीरीज है। इसमें आपको ब्लूटूथ विद वाईफाई वाला बोर्ड है। 11th जनरेशन 10th जनरेशन का सबसे अच्छा टॉप हाई एंड बोर्ड है। ये 18500 रुपये का बोर्ड है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा H410 आता है, H410 आपको मिल जाएगा 5600 का। 5600 रुपीज़ में? तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ग्राफिक्स कार्ड निकलवा दिए हैं, तो अभी हम लोग इनके प्राइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो 1660 सुपर का क्या प्राइस है भाई? 1660 सुपर कलरफुल का 48500 का। 48500 में वगैरह का भी मिल जाएगा वो 51500, और फिर जोटक वगैरह का 52000, 51500, यही रेंज में चलेगा। तो फिलहाल जो ग्राफिक कार्ड उनके प्राइसेस हल्के फुल्के से कम हो गए हैं। बाकी ये 55000 में भी मिल रहा था 1660 सुपर, लेकिन अभी ये हो गया 48000 में, तो थोड़ा सा कम हो चुका है। और यहाँ पे जो 710 वगैरह ये कितने का भाई? ये 3400 के हैं 710 DDR3 में। DDR5 में लेंगे तो 4042 रुपये की तक की रेंज का है। ठीक है, तो ये 2GB के कार्ड आते हैं, ज़्यादा गेमिंग वगैरह आप इन पे कर नहीं पाओगे, बस एक तरीके से डिस्प्ले के लिए आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में 1650 है, तो क्या रेट है भाई? 1650 ये आपका Zotac का 4GB का फायर स्टॉर्म एडिशन है। इसकी Zotac की एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल की आती है, बाकी सबकी 3 साल की है। ये आपको मिल जाएगा 23000 रुपये का। 23000 रुपये में 1650? 1050 मिल जाएगा, 1050 Ti आपको मिल जाएगा 17500 रुपये का। ठीक है, 17.5 में एक ग्राफिक कार्ड। ये बहुत चलता है डिज़ाइनर्स के लिए जो डिज़ाइनिंग और उसके लिए यूज़ करते हैं। क्वाड्रो P2200 बहुत कम लोगों को, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसका। इसके पीछे 4 DP स्लॉट होते हैं, 4 डिस्प्ले आप एक ग्राफिक कार्ड से ले सकते हैं। 4 पोर्ट होते हैं, 4 स्क्रीन एक ग्राफिक कार्ड से आप चला सकते हैं। 31000 रुपये का ग्राफिक कार्ड है NVIDIA का ये। ठीक है, 31000 रुपये का। तो ये गेमर्स के लिए खैर नहीं है, अगर आपका थोड़ा वर्क स्टेशन का काम है यूज़ कर सकते हो। 5GB DDR3 का, DDR5 5GB का कार्ड है ये। फिर इसके बाद हमारे पास 3060 भी मिल जाएगा। 3060 आपको आजकल बहुत लोग पूछते हैं LHR non-LHR, तो non-LHR आजकल थोड़े कम हो गए, जो HHR माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं लोग। 72000 की रेंज में हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम पे LHR सीरीज़। LHR non-LHR आपको मिल जाएगा 73500 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 3070 वगैरह के क्या रेट चल रहे हैं? 3070 एक 20 एक 25 की रेंज में आपको मिल जाएगा।
और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को AMD और इंटेल दोनों के ही प्रोसेसर्स के प्राइसेस बताने वाला हूँ, SSD के प्राइसेस, पावर सप्लाई, रैम स्टिक्स और जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन सब के प्राइसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।